हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर वन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। टोक्यो में गोल्ड मेडल, पेरिस में सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा इस वक्त इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद, डोप टेस्ट के बाद, इतनी मेहनत के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। देर रात हो चुकी है पेरिस में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस इंटरव्यू के लिए हमको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस सिल्वर मेडल, गोल्ड और सिल्वर, लगातार दो मेडल्स के बारे में, ये जो आपने बैक टू बैक कमाल किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा रहा जी। सबसे पहले तो मतलब जो टोक्यो में अपना गोल्ड आया था तो ऐसा पहली बार ऐसी फीलिंग थी और एक जो ड्रीम था कि भाई हाँ ओलंपिक जैसी जगह पे गोल्ड जीतना है या मेडल लेके आना है, तो वो टोक्यो में पूरा हुआ था। जर्नी कंटिन्यू रही, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम्स, काफ़ी कुछ खेला। फाइनली अभी वो मौका था कि अपना टाइटल डिफेंड करने का, और जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड में भी थ्रो थी और फाइनल में भी जो जिस तरीके से एफर्ट थे, तो वही है कि कुछ चीज़ें थी जो शायद से रुकावट थी, जैसे एक इंजरी है वो कुछ ना कहीं रुकावट थी, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस निकला है वो ठीक है। और पर्सनली मुझे वही था, सेकंड थ्रो में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आज जो है काफ़ी अच्छी थ्रो निकल सकती है, और शायद से बहुत जो एक 90 मीटर की काफ़ी वो बात होती थी, तो आज मतलब जो कॉम्पिटिशन का वो टाइम चल रहा था उस टाइम दिमाग में थी, पर वो भी नहीं हो पाया। तो अभी वही है, अभी ये चीज़ दिमाग में रहेगी और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको वो चीज़ ध्यान रहे कि काफ़ी हो गया है, अभी वो टाइम है कुछ चेंजेस करने का, या क्या चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकती है, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे और अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे कि क्या हो सकता है और अच्छा। तो बिल्कुल नीरज, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, मज़ेदार बात ये थी कि मुकाबला पेरिस में था लेकिन मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया है, और सबसे बड़े राइवल कभी उससे हारे नहीं। पहली चीज़, उससे हारने से क्या थोड़ी सी चुभन हो रही है, और ये भारत बनाम पाकिस्तान हो गया, ये भी बड़ा दिलचस्प। नहीं देखो क्या है कि वही जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ऐसा पहली बार हुआ है कि अरशद और मेरे बीच में 2016 से कंपटीशन हो रहा है, तो आज अरशद जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमको स्पोर्ट्स में ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज शायद अपना दिन नहीं था, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और मेहनत करते हैं, काफ़ी इंजरी जाती है, जो भी है, आज शायद अपना दिन नहीं था, और उनको मौका मिला है आज खुशी जाहिर करने का, तो ठीक है। मतलब ये स्पोर्ट्स लाइफ है, जो भी है, ये कुछ सालों तक है, बिल्कुल, तो ये चलता रहेगा। आगे आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका मिलेगा कि हम साथ में कम्पीट करेंगे और फिर आपस में टक्कर होगी, तो ये तो चलता रहेगा, और तैयारी अच्छी होगी, अपना दिन होगा या कभी उनका दिन होगा, बिल्कुल, या किसी और एथलीट का दिन होगा। तो वही है कि अब यहाँ पे कंपटीशन भी इतना टफ था और सभी कंट्रीज थी, ऐसा मतलब इंडिया पाकिस्तान तो ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि वो मेडल ऐसे इस तरीके से हो गए, लेकिन कंपटीशन ऑल पूरा देखें तो काफी तगड़ा कंपटीशन था, और अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जेवलिन का वन ऑफ द लाख। आखिरी सवाल, 92.93 ऑलमोस्ट 92.97 देखने के बाद दिमाग में क्या आया उस समय कि ये इतना लंबा फेंक दिया है, एक तरह से जैसे आप हाथ उठाते उसी तरह से नदीम ने भी हाथ उठाया जैसे गोल्ड मेडल, तो वहाँ से वो जंग शुरू हो गई थी, तो दिमाग में उस समय क्या आया आपके नीरज? कुछ उधर के किसी थ्रोअर ने बोला था कि कंपटीशन इज फिनिश ऑलरेडी, पर मेरे दिमाग में बात नहीं थी, मैंने मना किया, और वही है जैसा कि मैंने बताया था कि यार भले ही मैंने 90 मीटर नहीं की, लेकिन एक बिलीव था कि हाँ ये थ्रो हो जाएगी, और जेवलिन का ऐसा है कि आप 88-89 मीटर कर रहे हो, 3-4 मीटर कभी भी निकल सकती है अगर सही लाइन में लगे तो जी। अभी वो जो हिट है सही लाइन में नहीं हो रही, अरशद की बहुत अच्छी लाइन में थ्रो हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी थ्रो निकली। मेरी बहुत ही पावर है जो वेस्ट हो जाती है जब मैं थ्रो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जेवलिन का जो जहाँ पे सही जगह पे पावर लगनी चाहिए वहाँ पे नहीं लग पा रही, तो वो चीज़ अगर जब भी लगेगी तो वो थ्रो निकल जाएगी, और मुझे अपने ऊपर ऐसे सेकंड थ्रो में वो जोश आया और एक बिलीव आया और फाइटिंग स्पिरिट आई कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल। और फिर भी जो जिस तरीके से बॉडी कंडीशंस थी और दिक्कतें चल रही है उसके बाद भी जो थ्रो थी सीजन बेस्ट वो भी काफ़ी सही निकली है, और बाकी थ्रो फाउल रही, रनवे में काफ़ी दिक्कत रही, मैंने चेंज भी किया बीच में, लेकिन
पर यही है कि आगे कंपटीशन फिर मिलेंगे बिल्कुल। कंपटीशन इज नॉट ओवर, कंपटीशन हैज जस्ट स्टार्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमें मालूम है कि आपका दबदबा जो है पूरी दुनिया में कायम रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा मेडल्स लगातार नीरज हमें जिताते रहेंगे। थैंक यू।